जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आपने सातवां अजूबा तो देखा होगा, लेकिन हजारीबाग जब आएंगे तो आपको आठवां अजूबा देखने को जरूर मिलेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप देखिए, मेरे पीछे जो ट्रांसफार्मर है और जो तार लगा हुआ है, ये सड़क के बीचों बीच है। ये सड़क नहीं बन रही है, डेमो टाड़ का ये एरिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये ट्रांसफार्मर पूरा सड़क के बीचों बीच लगा हुआ है और उसके ऊपर फिर रोड बना दिया गया है। देखिए, बीच सड़क है, रोड बना दिया गया है, तो अब इधर कोई भी आएगा तो ट्रांसफार्मर के नीचे बच्चा लोग तो खैर अंदर से चला जाएगा, लेकिन बड़ा आदमी टकरा सकता है, बड़ा गाड़ी जो है वो टकरा सकता है, छोटा स्कूटी तो अंदर से चला जाएगा, लेकिन कैसे क्रॉस करेंगे जब हम लेफ्ट साइड से इसी रोड से आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बीच ही सड़क पे एकदम ट्रांसफार्मर बना दिया गया है। तो आप इसी गांव में रहते हैं? जी सर, हमारा घर पास है। एकदम बीच में ट्रांसफार्मर लगा बीच में है, किनारे करने बोल रहे हैं, दो तीन वो आदमी ऑपरेशन कर रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं नहीं, वोल्टेज कम हो जाएगा, तो उनको बोल रहे हम ले जाइए अपने घर पर ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज कम हो जाता है सड़क के बीच में कैसे? और कनेक्शन ज्यादा नहीं है, जो कनेक्शन है भी उतना रहेगा, वहाँ भी जाएगा। तो नहीं तो ये सड़क के बीच में रोड फिर कैसे बन गया एकदम? मतलब बीच सड़क बन गया, यहाँ रोड पूरा चौड़ा था इसलिए बना गया। यहाँ से क्रॉस कैसे करेगा? क्रॉस करेगा, इधर क्रॉस करेगा, अब से जाएगा नहीं तो दुर्घटना। तो पहले हम लोग कौन से यहाँ से हटाना, उधर किनारे करना। बीच सड़क में पहले बन गया सर, यहाँ पे आम घर मजरुआ सुविधा के अनुसार आदमी बना दिया, लेकिन अभी चाहेंगे कि इसको अगर कहीं जगह पे किनारे में किया जा सकता है तो करवा देना चाहिए। इसमें पब्लिक का जो सहयोग रहेगा, हम लोग सारा पब्लिक ग्राम ट्रांसफार्मर कब से है यहाँ पे? ये हमें लगता है 20 साल 30 साल हो गया जी सर। तो सड़क बनने से पहले तो प्लानिंग हुआ होगा ना कि ट्रांसफार्मर हटाना है? नहीं नहीं, प्लानिंग तो उसका करना था जो रोड बना रहा है, ठेकेदार को। हम उनको बोले तो बोला नहीं, विधायक जी से बात करना पड़ेगा तब होगा। तो कल बात भी हुआ था और यहाँ बोला गया कि ठीक, हम देखते हैं। अच्छा। ठेकेदार को बोले, बसंत बाबू को बोले कि नहीं, जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसको हटाया नहीं जाता इसे अपने मनमानी ढंग से, हटता नहीं है। हाँ, ये बिजली विभाग वाले आदेश देंगे तभी ये काम हो पाएगा। दुर्घटना आदेश नहीं दे रहे हैं क्या? आदेश वो मांगे कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है। अच्छा। लेकिन हम लोग तो बोले हैं बसंत बाबू के, इसको सर साइड कर दीजिए। अच्छा, वही गाड़ी उड़ी कैसे जाएगा यहाँ से? तो ट्रांसफार्मर आ गया तो यहाँ से हटाना है, बोल रहे हैं आप यही रहते हैं? हाँ, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर रोड के बीच में है एकदम। रोड के बीच में है तभी, जब तक पहले था जैसे हुआ वो ठीक था, लेकिन अभी यहाँ रोड बन रहा है तो इसको हटना चाहिए यहाँ से। और उसके बाद जहाँ मैं हटेगा तो दुर्घटना होगा सर, और क्या होगा? रात में कुछ भी हो, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। मेन रोड हो गया, रोड बने, गाड़ी स्पीड में आएगा, कोई टकराएगा, मर जाएगा। रोड इतना और एक क्लियर जाएगा तो जानवर भी पार नहीं हो सकेगा, जानवर भी टकरा सकता है, टकरा सकता है। तालाब के सामने हादसा होने का ज्यादा डर, वहाँ चौड़ा है, तालाब के बगल में ले जाएगा। जगह है आप लोग तो आइए आपको दिखाते हैं दोनों तरफ से। एक तो डेमो तरफ से जब इधर आएंगे तो आप देख लीजिए कि एक साइड पूरा जो ट्रांसफार्मर है वो लिया हुआ है, सड़क के बीचों बीच है, बीच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तार तो खैर बीच से क्रॉस हो ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगर कोई भी आदमी अगर लेफ्ट साइड से इधर से आएगा स्पीड में उधर से अगर आएगा तो फिर यहाँ पे रात में दिखेगा नहीं, टकरा सकता है। ना यहाँ पे कोई लाइट का सुविधा है, ना कुछ है, ट्रांसफार्मर के आसपास एक भी लाइट नहीं दिख रहा है। तो रात में शायद अगर गाड़ी का लाइट उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो सीधे आके ट्रांसफार्मर में धक्का मार सकता है, जानवर जो आता है वो इसमें टकरा सकता है, बच्चे जो है खेलेंगे इस रोड से क्रॉस करेंगे तो उन वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और एकदम बिल्कुल सड़क का लगभग आधा पार्ट जो है वो लगभग लिया हुआ है, आप देख सकते हैं नाली के बगल में ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर एकदम नज़दीक है। देखिए हाइट जो इसका है कितना, मतलब 5 फीट से भी कम है, 5 फीट, 3.5 फीट का हाइट है। तो कोई भी आदमी जो है यहाँ से टकरा सकता। इसमें करंट है भी? करंट है, लाइन चालू है, इसमें लाइट चालू है। हाँ, लाइट चालू, दूर रहिए भाई, दूर रहिए भाई, इसमें लाइट भी चालू है, दूर रहिए। तो देखिए इतना नजदीक, देखिए ट्रांसफार्मर है रोड से एकदम सटा हुआ, इसके ऊपर रोड बना दिया गया है, तो कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। आठवां अजूबा इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा कभी हम लोग नहीं देखे, पूरा हजारीबाग घूम चुके हैं, ऐसा ट्रांसफार्मर कभी नहीं देखे। आप लोग कभी देखे ऐसा? नहीं नहीं, बिजली विभाग वाले को जैसे बोलेंगे जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं या कर्मचारी है, आम पब्लिक का बात नहीं सुनता है। बोले नहीं है एक बार भी? बहुत बार बोले, हटाने के लिए हमने बोला, लेकिन नहीं है। फोन तो नहीं उठाएंगे, कभी बोलेंगे तो फोन भी नहीं उठाते हैं। नहीं, वो सब राइचो के पास विधि व्यवस्था सबको करवाइए, सब काम। रोड बन रहा है आप लोग के लिए अच्छा बात है, ट्रांसफार्मर किनारे होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। इसके लिए पब्लिक को पहले जगह नहीं था, इसलिए यहाँ ट्रांसफार्मर बैठाया गया, लेकिन अभी अवेलेबल जगह है,
अभी किनारे होना चाहिए। आदमी तो पहले जानवर तो नहीं चल सकता है। आप ठीक बोल रहे हैं एकदम। देखिए प्रॉब्लम यही है कि ट्रांसफार्मर तो है बीच सड़क में, लेकिन हाइट जो है उसका बहुत कम है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं बिजली विभाग को संपर्क किया गया है, लेकिन उन्होंने अपना कार्रवाई नहीं किया है, हटाया नहीं गया है। अब जो है ये दुर्घटना हो सकता है, रोड कंप्लीट हो गया, अब लोग इस रोड से बहुत स्पीड से जाएंगे। तार और साइड किया गया, यहाँ बोले तो बोले कि नहीं, ऊपर से आदेश नहीं लिया गया। हम बोले जो पब्लिक बोलेगा, पब्लिक पब्लिक के हित के लिए काम होता है, ग्रामीण के हित के लिए, लेकिन ग्रामीण का बात नहीं बोला। जब तक नहीं विभाग बोलेगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए आप जब भी क्रॉस करेंगे डेमो टाउन, निर्मल ढाबा जो है उसके बगल से ये रोड आता है, और ये रोड कहाँ तक जाता है? पूरा भिलवाड़ा तक जाता है। भिलवाड़ा तक चल जाता है रोड। ये रोड पूरा पूरा निकल हजारीबाग इधर निकल जाएगा। मतलब बिजी रोड है, बिजी रोड क्रॉस करता है, हाईवा भी जाता है। देखिए इतना बिजी रोड है जिसमें ट्रक हाईवा सब जाता है, और रात जब होगा, ये आज ही बनना स्टार्ट हुआ है ना रोड, कल से चालू है रोड, कल से पिच हो रहा है। अच्छा, कल से पिच हो रहा है। अभी अभी लान रहे हैं ना, आखिर हाईवा लान रहे हैं ना, हाईवा मतलब कटरोस कैसे करता है? तो ये बोले आखिर नुकसान करता है कि नहीं? नुकसान करता तो नुकसान क्या है, तो ऐसे ही डर लग रहा है इतना नजदीक में। हाँ, इतना नजदीक में आप देख सकते हैं ये जो तार है, यहाँ तो नजदीक जाने में ही डर लग रहा है। अगर इसमें करंट रहेगा तो फिर ट्रांसफार्मर इतना नीचे है कि बच्चा लोग को खींच सकता है, जानवर को खींच सकता है, और डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। आप देख सकते हैं एकदम सड़क के बीचों बीच जो ये ट्रांसफार्मर बनाया गया है, ये अद्भुत तरीके से बनाया गया है। हम लोग क्रॉस कर रहे थे डेमो टाल के रोड से, तो यहाँ पे देखे और देख के रुकना पड़ा हम लोग को, और रुक के रिपोर्टिंग करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि सड़क के बीच में इतना बड़ा ट्रांसफार्मर और इतना नीचे हाइट में ये कैसे बनाया गया है? सबसे ज्यादा तो जानवर के दुख है, जानवर का दुख है। आदमी आदमी तो कैसे निकल जाएगा, लेकिन जानवर के दुख है नहीं, नीचे रहेगा तो दुख है कि नहीं? बिल्कुल। तो यही है, अब लोग यहाँ गुहार लगा रहे हैं बिजली विभाग से कि जो ट्रांसफार्मर है इसको सड़क के किनारे कम से कम किया जाए, ताकि आगे जाके कोई दुर्घटना ना हो। तो यही देखने के लिए आज हम लोग आए थे डेमो टाउन, और डेमो टाउन से भिलवाड़ा जाता है ये रास्ता, ट्रांसफार्मर जो है सड़क के बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें 8-10 गांव जुड़ता है, 8-10 गांव जुड़ता है, भिलवाड़ा, चपवा, सलैया, बोचो, बमनी, उधर चल जाता है बुरहेत, उधर झुमरा होते हुए पूरा निकल जाता है, हाँ उधर से निकल जाता है। तो देखिए बहुत बिजी रोड है, और जरूरत है कि इस ट्रांसफार्मर को किनारे किया जाए, नहीं तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार, हजारीबाग।